बलदेव प्लाजा के सभी थोक और फुटकर मोबाइल दुकानदारों ने ऑनलाइन मोबाइल के खिलाफ शनिवार से एक आंदोलन शुरू कर दिया है। मोबाइल विक्रेताओं का कहना है कि मोबाइल की बिक्री ऑनलाइन होने से हमारा बिजनेस पूर्ण रूप से ठप हो गया है। हम चाहते हैं कि वह भी अपना काम करे और हम भी अपना काम करें, लेकिन सभी कंपनियां अपना प्रोडक्ट निकालती हैं। एक साथ हम सभी लोगों के पास वह प्रोडक्ट होनी चाहिए। कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जो प्रोडक्ट उनके पास है वही प्रोडक्ट हमारे पास भी होना चाहिए। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां जो ऑनलाइन व्यापार कर रही हैं वह पैसा विदेश में जा रहा है, लेकिन हमारे द्वारा जो भी पैसा सरकार को प्राप्त होता है, मोबाइल का व्यवसाय ऑनलाइन होने से इस धंधे से जुड़े हुए युवा बेरोजगार हो जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मोबाइल विक्रेताओं ने कहा, एक शांतिपूर्ण ढंग धरना देने जा रहे हैं ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ। हम सब एक धरना दे रहे हैं जो इनके काला बाजार हैं, इनको रोकने के लिए हम अपने मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री हम सब के मार्गदर्शक हम सब के रक्षक परम पूज्य योगी आदित्यनाथ से निवेदन करते हैं कि इन सब के काला बाजारों को रोकने का काम करें। हम जिस तरह से आपने हर समय हम सब का मदद किया है सदैव उसी तरह से आप हमेशा मदद करेंगे का। और मैं बता देना चाहता हूँ जितने ये ऑनलाइन कंपनियां हैं विदेशों से आकर के हमारे देश को हमारे प्रदेश को हमारे भोली भाली जनता को लूटने का जो काम कर रही है इससे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अपने मार्गदर्शक अपने रक्षक हम सब व्यापारियों के सुख दुख में सदैव खड़े रहने वाले परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से हम सब व्यापारी सबने निवेदन करते हैं कि ये सब रोकने का काम करें और आप अपने संज्ञान में लेकर के इसे बंद करने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत बंद करने की कोशिश करें। मैं प्रदीप सिंह हूँ, मेरा नाम है। मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। आज हम सब रोड पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं इन सब व्यापारी इस ऑनलाइन कंपनियों के गलत रवैये से गलत तौर तरीके से इनके दोहरे चरित्र से इनके गलत मंसूबे से हम सब आज रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं और आज हम सब रोड पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। कृपया सरकार और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हम लोगों के इस दुखों को समझे और हम सब को और कल देश स्तर पर भी हो सकता है और हम लोग यही रुकने वाले नहीं है। ये अभी हमारा मोर्चा आगे तक भी आगे तक जाएगा। प्रशांत राय, बंदी की है अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के विरोध में। हम ये चाहते हैं कि वो भी अपना काम करें और हम भी अपना काम करें और सभी कंपनियां जितना भी प्रोडक्ट निकालती है कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, वो एक साथ उनके पास भी होना चाहिए और एक साथ हमारे साथ भी होना चाहिए। और गवर्नमेंट से हम ये कहेंगे कि वो जो विदेशी पैसा जो भी वो व्यापार कर रहे हैं वो अपना पैसा अमेरिका या फॉरेन ले जा रहे हैं और हम अपना पैसा अपने देश में रखते हैं। जो हम लोग हमारे साथ 10 स्टाफ हर दुकान पे करीबन 8-10 लड़के हैं उनकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट से हमारा अनुरोध है कि इस पे हम लोग थोड़ी कार्रवाई करें। ऑनलाइन के विरोध में आप लोगों ने आज क्या किया है? आज हम लोगों ने सांकेतिक बंदी की है और शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपना पदयात्रा किया और हम डीएम साहब को अपना ज्ञापन दिया हम लोगों ने।